तो अब मेरे यहाँ पे कितने नेटवर्क चल रहे हैं, हम नेटवर्क पहले काउंट कर लेते हैं। एक नेटवर्क ये चल रहा है 12 का, एक 23 का, दो नेटवर्क हो गए, तीसरा ये चल रहा है, चौथा ये चल रहा है और पांचवा ये चल रहा है। टोटल मेरे यहाँ पे पांच नेटवर्क चल रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब हम स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करते हैं, तो स्टैटिक राउटिंग का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो नेटवर्क राउटर के पास नहीं होगा, जिस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उस राउटर को मुझे बताना पड़ेगा जिस नेटवर्क की, मतलब जिस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास नहीं होगी, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इसके राउटिंग टेबल में इंजेक्ट कराना पड़ेगा। राउटर हमेशा राउटिंग टेबल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। राउटर के राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क होगा उसी की इंफॉर्मेशन उसको पता होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताएगा, उसको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता देगा। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखना है कि जैसे अभी ये राउटर है, बाय डिफॉल्ट ये राउटर का बिहेवियर होता है कि राउटर के पास बाय डिफॉल्ट उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब अगर मैं इस राउटर वन की बात करूँ, तो इस राउटर के पास कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं। एक 12 का नेटवर्क कनेक्टेड है, 12.1.1.0/24, और दूसरा 192.168.1.0/24। यानी इस राउटर को सिर्फ अपने से ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है इसी की इंफॉर्मेशन है। इस राउटर को नहीं पता कि 23 नेटवर्क कहाँ है, 192.168.2.0 कहाँ है और 192.3.0 कहाँ है। तो मुझे इस नेटवर्क की, पहला नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये और तीसरा नेटवर्क ये, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे इसको बतानी पड़ेगी, और इसको नहीं हर राउटर के बतानी पड़ेगी जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। तो अब राउटर वन के पास दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, इन तीनों की नहीं है, तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन इसको बतानी पड़ेगी। अब राउटर टू पे अगर हम आते हैं, तो राउटर टू के ऊपर दो नेट तीन नेटवर्क चल रहा है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। यानी इस तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर टू के पास है, लेकिन मुझको इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटर को बतानी पड़ेगी। यानी इसके राउटिंग टेबल में मुझे ये चीज इंजेक्ट कराना पड़ेगा। इंजेक्ट का मतलब एंटर करना पड़ेगा, मैनुअली ऐड करना पड़ेगा मुझे। अब मैं राउटर थ्री की बात करूं, तो राउटर थ्री को किसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता है, सिर्फ थ्री की और सिर्फ 23 की। अब जो इसको इंफॉर्मेशन जो इसके पास नहीं है, वो कौन सी नहीं है, 2.0, 1.0, 12.1.1.0। यानी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, सॉरी ये नहीं है, 1, 2 एंड 3, इस नेट तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे बताना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, टू वे कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे दोनों एंड पे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी जितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है उतनी ऐड करानी पड़ेगी, सिमिलरली इसके पास भी और इसके पास भी। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कन्फिगेशन, ठीक है। मैं आईपी क्या दूंगा, ध्यान रखो कि मेरे पास R1 है, R2 है और R3 है। R1 के ऊपर जितने भी आईपी कन्फिगर करूंगा उसके लास्ट में डॉट वन रहेगा, जैसे 12.1.1.1, 192.168.1.1। अगर राउटर टू है तो तीन इंटरफेसेज है, 1, 2, 3, तीनों के ऊपर मैं लास्ट में डॉट टू लगा दूंगा, तो मुझे पता लगा राउटर टू की डॉट टू है और राउटर थ्री की थ्री, इसलिए ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ईजी रहे याद करने के लिए, ठीक है। और हम लोग यही नेटवर्क स्कीम आने वाले टाइम में यूज करेंगे और इसी के ऊपर प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि मुझे बार बार नोट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे इसके बीच में क्या नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले मैं राउटर वन को ओपन करूंगा। देखो हमेशा गुड प्रैक्टिस यही रहती है, जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो सबसे पहले जितने भी ये राउटर या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, स्विच हो गया, राउटर हो गया, इनके होस्ट नेम जरूर कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो मैं R1 पे गया, CLI पे चलते हैं, और सबसे पहले मैं स्क्रीन सबको विजिबल है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब लोग कॉन्फ़िगर कंफर्म कर दो एक बार। ना ठीक है, दिक्कत नहीं है। होस्ट नेम ये मेरा राउटर वन है, तो मैंने होस्ट नेम R1 दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर दो इंटरफेस ही चल रहे हैं, GIG 0/0 और GIG 0/0/2। तो 0/0 इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जो आईपी रहेगी वो 12.1.1.1, यानी GIG 0/0 के ऊपर। तो चलो इंटरफेस GIG 0/0, सबसे पहले इसको मैं नो शट करूंगा और आईपी एड्रेस दूंगा
12.1.1.1 255.255.255.0, मैं यहाँ पे /24 का यूज़ कर रहा हूँ, यानी नेटवर्क जो है मेरा वो तो 12 का है, यानी क्लास ए का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सबनेट मास्क में क्लास सी का, तो ये मेरा क्लास लेस आईपी एड्रेस कन्फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिए यहाँ पे। उसके बाद गिग इंटरफेस गिग 0x2 नो शट आईपी एड्रेस इज 192.168.1.1.255.255.255.0। डू राइट कमांड जरूर टाइप कर देना, ये कमांड इसलिए होती है जितनी भी कन्फिगरेशन अभी आपने करी है वो सेव हो गई। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, यानी डू राइट कमांड मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं कन्फिगर मोड पे हूँ, डू मैंने कीवर्ड इसलिए लगाया है, और राइट कमांड से क्या है, डब्ल्यू आर का मतलब है राइट, मैंने राइट करके इस कन्फिगरेशन को राउटर के ऊपर सेव कर दिया। अगर मैं ये कमांड नहीं चलाता और मेरा राउटर रीस्टार्ट हो जाता तो ये सारी कन्फिगरेशन डिलीट हो जाती, ठीक है, तो फिर मुझे दोबारा से सारा कन्फिगरेशन करना पड़ता, तो मैंने इसलिए हमेशा कन्फिगरेशन को सेव करते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप इंटरफेसेस के ऊपर कन्फिगर करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले गुड प्रैक्टिस ये होती है, जो भी कन्फिगरेशन आप करते हो वो आप एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कमांड स्पेशल कमांड चलाऊंगा जो आप लोगों को मैं साथ साथ लिखवाता भी चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कमांड टाइप किया है, बेसिकली तो ये तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड से क्या होगा कि इंटरफेसेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ वो शो कर देगा। एंटर किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिग 0x0 पे ये कॉन्फ़िगर है और गिग 0x2 पे ये कॉन्फ़िगर है, लेकिन इस कमांड से क्या हो रहा है कि राउटर के ऊपर जितने इंटरफेसेस हैं वो सारी दिखा दे रहा है। मतलब गिग 0x1 के ऊपर मैंने कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, लेकिन ये भी मेरे को लिस्ट में शो कर रहा है, और एक VLAN 1 की इन्फॉर्मेशन, VLAN को भी भूल जाओ, तो मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, लेकिन मेरे को यहाँ पे चारों चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पे चार इन्फॉर्मेशन आ रही है, गिग 0x0, 0x1, 0x2 एंड अनदर इज VLAN 1। तो अब राहुल मुझे बताओ कि अगर आपको पता है कि मुझे सिर्फ वही इंटरफेसेस को लिस्ट आउट करनी है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, क्या आपको पता है ये चीज़, एक बार कंफर्म करो। राहुल चला गया, खैर छोड़ो। हाँ तो देखो, मेरे मान के चलो मेरे राउटर के ऊपर 10 इंटरफेसेस मतलब चल रहे हैं, ठीक है, 10 इंटरफेस है मेरे राउटर के पास। अब उसमें से सिर्फ 3 या 4 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, तो अगर मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू कीवर्ड मैंने इसलिए लगाया, ध्यान रखना बार बार बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगा, डू कीवर्ड इसलिए लगाया क्योंकि मैं कन्फिग मोड पे हूँ। अगर मैं बाहर हूँ डायरेक्ट, अगर मैं प्रिविलेज मोड पे हूँ तो मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लिखूंगा, ठीक है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से क्या होगा कि जितने भी इंटरफेसेज हैं वो सारी शो कर देगा, जिसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो भी और जिसके ऊपर नहीं है वो भी, लेकिन मुझे वो लिस्ट आउट करनी है सिर्फ जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो उसके लिए मैं कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा और उसके बाद स्पेस देके एक पाइप साइन लगाऊंगा, ठीक है, ये पाइप साइन लगाया मैंने, और उसके बाद स्पेस देके एक्सक्लूड, ईएक्स का मतलब होता है एक्सक्लूड, और अन ए डबल एस अनअसाइंड मतलब मुझे इंटरफेसेस दिखाओ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मतलब मुझे आईपी जिसके ऊपर कॉन्फ़िगर है वो बताओ, लेकिन एक्सक्लूड कर दो उन इंटरफेसेस को जिसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। तो इस कीवर्ड से एक्सक्लूड अनअसाइंड, मैं एंटर मारूंगा, सॉरी वो लास्ट में यहाँ पे डैश लग गया था, देख लो इसलिए वो सारे दिखा रहा था, क्रॉस करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही इंटरफेसेस दिखा रहे हैं जिसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन है। तो ये बेस्ट तरीका है आपको फिल्टर करने के लिए, बेसिकली मैंने फिल्टर कर लिया कि मुझे सिर्फ वही आईपी एड्रेस दिखाओ, मतलब यानी वही इंटरफेस दिखाओ जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो मैंने कमांड तो वही लगाया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मतलब मैंने एक चीज ऐड कर दी, पाइप से लगा के एक्सक्लूड कर दो अनअसाइन, मतलब अनअसाइन आईपी एड्रेस जिसको जो भी इंटरफेस है उसको आप एक्सक्लूड कर दो। तो उसने उसको एक्सक्लूड करके जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वही दिखाया। तो ये कीवर्ड है, मैंने उसको लिख देता हूँ। तो ये है आपका थोड़ा सा एडवांस कमांड, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा बीच बीच में एडवांस कमांड सिखाता रहूँगा। तो ये आपका कमांड है, ठीक है। अब हम चलते हैं R1 पे, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं R2 के ऊपर, R2 पे चलते हैं, और R2 के ऊपर
नो, इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड, होस्ट नेम R2, और उसके पे कौन कौन से इंटरफेसेज हैं, गिग 0x1, इस पे 23.1.1.2 कॉन्फ़िगर करूँगा, ये वाला ऑप्शन। तो आ जाओ यहाँ पे, इंटरफेस गिग 0x1 है, नो शट, आईपी एड्रेस 23.1.1.2 दूंगा क्योंकि मैं राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और गिग 0x1, इंटरफेस गिग 0x1, नो शट। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा, ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, और आईपी एड्रेस 12.1.1.2.255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 .
no shut. IP address is 192.168.2.2. चेक कर लो बार, do show IP interface brief, pipesend लगाना है, exclude लिखना है और unassign लिखना है. दो ही IP address configured हुए हैं इसके ऊपर R2 पे, होने तो तीन चाहिए थे. लेट चेक इस पे नहीं हुआ है. गिग 0/0 पे नहीं हुआ है, मतलब इस वाले इंटरफेस के ऊपर अभी तक नहीं हुआ है. तो करते हैं चलो इंटरफेस. इसलिए मैं देखो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, वो किसी वजह से कमांड को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी रीज़न रहा हो. नो शट आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2.255.255.255.0. ओवरलैपिंग मतलब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी और इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है. चलो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा गीगाबिट 0/0/1 के ऊपर राउटर 1 पे हुई है ना, राउटर 1 पे नहीं राउटर 2. अच्छा एक सेकंड, नहीं 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 देखो ये जो इंटरफेस है गीग 0/0 इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना था, मैंने इसके ऊपर कर दिया है देखो ना. अच्छा गीग 0/0/1 के ऊपर कर दिया वन, जबकि मुझे किस पे वन पे करनी थी, क्या जीरो पे करनी थी, इस पे करनी थी, ऊपर वाले पे करनी थी. तो कोई बात नहीं, अब देखो आईपी एड्रेस मैंने गलती से अगर असाइन कर दिया उसको हटाने का तरीका है, या उसी के ऊपर दोबारा से दूसरी आईपी डाल दो तो उठा लेगा. जैसे गीगाबिट 0/1 के ऊपर 23 वाला आईपी है, तो चलो फिर से इंटरफेस गिग 0/1 आईपी एड्रेस 23.1.1.2.255.255.255.0. तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दो. देखो चेंज हो गया ना, पहले ये था, मैंने आईपी दूसरी उसी के ऊपर दूसरी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दी, उसने दूसरा ले लिया. ठीक है अब गिग 0/1 पे करते हैं, ये 0/0 पे करते हैं. चलो एग्जिट करो पहले तो इंटरफेस गिग 0/0 नो शट आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2. Do write, do show IP interface brief. Let's check. Yes. Configures 3 हो गए. ठीक है भाई, R2 का भी complete हो गया, R3 पे चलो. R3 के कौन से interfaces हैं? Gig 0/1 and 0/2. तो पहले host name देते हैं. R3 interface gig 0/1. चलो 0/2 पे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं. No shut. IP address is 192.168.3.3 interface gig 0/1 no shut IP address is 23.1.1.3. do write, command जरूर चलाना है. do show IP interface brief. 23.3 हो गया इसका, 3 हो गया. चलो कोई नहीं, एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लेते हैं. इस पे भी ठीक है ना भाई, 2 2 2 ठीक है, और आई थिंक इसके ऊपर 1 और 1 होना चाहिए. अब क्या करना है मुझे इस पीसी के ऊपर आईपी, चलो कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग पीसी पे चलते हैं.
पीसी की आईपी हम देंगे 192.168.1.10 और गेटवे इसका क्या रहेगा 1.1, इसी नेटवर्क की रहेगी ना इसकी 1.10, मैंने इसके ऊपर दे दिया और इसका जो गेटवे है ये राउटर के इंटरफेस की आईपी दे दी। और इस पीसी पे चलते हैं, इसकी आईपी रहेगी 2.10। और जो इसका गेटवे रहेगा वो रहेगा 192.168.2.2। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि कॉन्फ़िगरेशन कर दी मैंने, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने से पहले पहले इनकी रीचेबिलिटी जो ये पीसी है इनकी राउटर तक होनी चाहिए। तो इस पीसी पे आएंगे और इसे गेटवे को पिंग करेंगे। पहले मैं आईपी कॉन्फ़िग से चेक कर लूं आईपी, इसके ऊपर आईपी एड्रेस है 1.10, तो इसका गेटवे क्या है 1.1, करो पिंग इसको, यानी रिप्लाई आ रहा है, यानी मेरी यहाँ तक सक्सेसफुल है। ओके, ये मतलब सबसे बढ़िया तरीका है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पहले अपनी रीचेबिलिटी चेक कर लो और पता लगे आपने रीचेबिलिटी आपकी है नहीं और आप लगे पड़े हो राउटर पे ऊपर ही ट्रबल शूट करने में। अब राउटर आपस, जैसे तुमने राउटर के ऊपर राउटिंग कन्फिगर कर दी, ठीक है, तुम्हारी राउटिंग एकदम प्रॉपर हुई है, लेकिन तुमने इसके ऊपर गेटवे कन्फिगर करना भूल गए और यहाँ से इसको पिंग कर रहे हो, पिंग नहीं हो रहा है। मतलब आप इससे इसको पिंग कर रहे हो और रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, आप यहीं पे घुसे हुए हो। तो इसीलिए सबसे पहले चेक कनेक्टिविटी हमेशा ध्यान रखना कि आपस में कनेक्टिविटी, देखो पहले मैं इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ चेक करूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ओके होना चाहिए। इसके साथ इन दोनों की मैं चेक करूँगा, उसके बाद इन पीसी का इनके साथ चेक करूँगा और उसके बाद मैं राउटिंग कन्फिगर करूँगा। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है और मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करता हूँ। अननेसेसरी मैं पहले अंदर इंटरनली कनेक्टिविटी ना चेक करके पहले मैं राउटिंग कन्फिगर कर दूं और राउटिंग के ऊपर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है और मैं राउटिंग के राउटर के ऊपर ही लगा हुआ, भाई क्यों नहीं हो रहा, बाद में पता लगता मैंने गेटवे ही नहीं डाला या आईपी एड्रेस ही कन्फिगर करना भूल गया मैं सिस्टम के ऊपर। तो ये चीज़ें मैंने एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं प्रैक्टिस के टाइम पे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है, पहले आप कनेक्टिविटी चेक कर लो, जब कनेक्टिविटी चेक करोगे ओके तब आप राउटिंग के, तो आपको एक स्टेप पता लगेगा कि भाई अगर नहीं हो रहा तो यही दिक्कत होगी या तो यही दिक्कत होगी, ठीक है। चलो तो इसने यहाँ से इसको पिंग किया, ओके है। अब इसको इस कल से गेटवे से पिंग करते हैं, पिंग कौन आया है वापिस, पिंग 192.168.2.2, ठीक है भाई ये भी अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है। और इसमें चलते हैं पिंग 192.168.3.3, यस, मतलब मेरी रीचेबिलिटी इस पीसी से लेके राउटर तक कंप्लीट है। अब मैं इस रिपीट राउटर पे आऊँगा, राउटर के इस सामने वाले की आईपी 12.1.1.2 है, तो मैं इसको पिंग करूँगा, पिंग करेंगे हम 12.1.1.2। ये तीन मेरे पास, ये देखो पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है आर्क की वजह से और ये जो चार पैकेट इसने, ये एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, दैट्स मीन ये ओके है, कनेक्टिविटी इज ओके। चलो अब मैं इसके इसका करूंगा नहीं क्योंकि भाई इसका ऑलरेडी देखो इस पर मैंने चेक कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया है। अब पागलपंती है अगर हम उसको वापस यहाँ से यहाँ तक चेक करें, वो बेवकूफ़ी होगी। तो अगर एक तरफ कम्युनिकेशन हो रहा तो दूसरी तरफ होगा ही होगा, ठीक है। चलो अब हम इस पर चेक करते हैं इस तरफ के लिए, तो सामने वाले की आईपी 23.1.1.3, पिंग 23.1.1.3, राउटर 3 है इसलिए मैंने 3 आईपी दे दिया है, चेक करते हैं, यस यहाँ भी कनेक्टिविटी, मतलब मेरी इंटरनल कनेक्टिविटी इज ओके। अब मैं राउटिंग कन्फिगर करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं राउटर 1 पे आता हूँ और राउटर 1 पे आने के बाद सबसे पहले मैं राउटर 1 की राउटिंग टेबल चेक करूँगा। तो राउटिंग टेबल चेक करो, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए क्या कमांड होती है, जितेंद्र एंड सुरेंद्र, हेलो भाई हो या नहीं हो, चले गए सुरेंद्र, जितेंद्र, हाँ बोलो। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मुझे राउटिंग टेबल चेक करनी है, क्या कमांड होती है राउटिंग के,
इसका होता है 100 IP राउट। ओके गुड, 100 IP राउट ठीक है, SSH ठीक है। देखो अब मैं ये राउटर वन की राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और MS Paint पे चलते हैं। और ये मैंने R1 की निकाली, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ये, कौन कितना 22 है ना, 18 कर लेते हैं। देखो अब ये वाला देखो जो कनेक्टेड वाला C, इसके बाद दो ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 12.1.1.0 की और 192.168 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की। अब इसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो देखो, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस नेटवर्क की, 23 के नेटवर्क की और इस नेटवर्क की, नहीं है ना, सबको पता चल रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, सब लोग अनम्यूट करो, फैज भी और आप भी। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस राउटर के पास सिर्फ इस दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, इसकी और इसकी, जैसे अभी हमने चेक किया है, लेकिन इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है इन तीन नेटवर्क की, इसकी इंफॉर्मेशन इसको देनी होगी, इसकी भी देनी होगी और इसकी भी देनी होगी। चलो समझ में आ रहा है ना एवरीवन? हेलो, हाँ आ रहा। बाकी लोग सुरेंद्र जितेंद्र, सुरेंद्र जितेंद्र अरे भैया एक्नॉलेज कर दिया करो, अनम्यूट करके बोलना होता है, म्यूट करके बोलते हो तुम लोग मुझे लगता है, हाँ हाँ बोल देते हो, चलो तुम्हारी मर्जी। चलो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, वो राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा आईपी राउट, ये कमांड होती है। अब राउटर वन के पास किसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास नहीं है इस नेटवर्क की 2.0 की, तो पहले 2.0 के नेटवर्क की बता देते हैं हम लोग, 192.168.2.0 नेटवर्क आईडी आएगा, उसके बाद सबनेट मास्क आएगा और उसके बाद नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप कौन है इसका? इसका नेक्स्ट होप है ये वाला बंदा, तो इसके इंटरफेस की आईपी दूंगा, तो 12.1.1.2 तो 12.1.1.2 ठीक है, और एंटर कर दिया इसने। दूसरा नेटवर्क कौन से की इंफॉर्मेशन देनी है? 3 डॉट की और दूसरा एंड थर्ड जो हम देंगे वो देंगे 23.1.1.1.0 सॉरी, और हमेशा नेक्स्ट होप सेम ही रहेगा क्योंकि इन तीनों नेटवर्क के लिए पैकेट इसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो मैंने ये कमांड दिया, एंटर किया। कॉपी ये तो मेरे पास हुआ भाई राउटिंग टेबल पहले वाला डिफॉल्ट वाला, ठीक है, अब और मैंने कमांड जो टाइप किया वो ये किया है, ठीक है, ये राउटर वन की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको दे दी है। अब मैं राउटर की राउटिंग टेबल चेक करूंगा, डू शो आईपी इंटरफेस, सॉरी डू शो आईपी राउट, तो देखो यहाँ पे जितने भी एस से आ रहे हैं ना वो स्टैटिक राउट है, 23 का एक स्टैटिक राउट दिया है मैंने वाया 12.1.2 और 192.168.2.0 के लिए भी मैंने दिया है और थर्ड इसके लिए भी दे दिया है, तो तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे R2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, तो R2 पे आ जाओ। अब R2 के कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, R2 को कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बतानी होगी, एक तो 1.0 की क्योंकि इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरा 3.0 की, यानी दोनों नेटवर्क की नहीं, 23 के तो ऑलरेडी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना,
मैं किसके ऊपर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ इसके ऊपर कॉन्फ़िगर। इसके पास इसके नेटवर्क की भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, तो मैं इन तीनों की क्यों करवाऊंगा, मैं तो इनकी करवाऊंगा जिनकी नहीं है। ठीक है, तो वापिस आ जाओ कमांड पे, आर टू पे आ गया, कंटी आई पी राउट। देखो यहाँ पे इसके पास दो नेटवर्क, अब मेरे को दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी है, किस किस की, एक 1.0 की और एक 3.0 की। तो 3.0 के लिए पैकेट इसका नेक्स्ट हॉप ये होगा, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट हॉप सबका सेम होता है, कभी नहीं। देखो 3 के नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप इसका ये रहेगा, और जो 1.0 का नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, ये रहेगा। समझ में आ रहा है सबको, मेरे को हाँ या ना में आंसर चाहिए भाई, पता लगे मैं बताता जा रहा हूँ, तुम लोगों को सब में से उठा रहा चाहिए तुम्हारी। हाँ, तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट हॉप हमेशा उस नेटवर्क के साथ। अब मैं इसके नेक्स्ट हॉप की मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 3 के नेटवर्क को पता है, R3 को पता है, और 1 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन R1 को पता है। तो 1 के नेटवर्क के लिए पैकेट हैंड ओवर इसको करूँगा, नेक्स्ट हॉप ये रहेगा, और इसके लिए नेक्स्ट हॉप ये रहेगा इस नेटवर्क के लिए। तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले 1 के लिए कर लेते हैं हम लोग, तो 1 के लिए करने के लिए हम लोग IP रूट 192.168.1.0/24 रहेगा, तो यानी 255.255.0। और नेक्स्ट होप क्या रहेगा, नेक्स्ट होप रहेगा मेरा, बताओ कौन रहेगा सुरेंद्र, क्या देना नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप आईपी मेरी क्या रहेगी, नेटवर्क मैं इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 1.0 के लिए इस राउटर के ऊपर, नेक्स्ट होप आईपी क्या रहेगा, इसमें एक आ जाएगा 192.168.1.1। अच्छा फैस क्या आएगा नेक्स्ट होप आईपी, इसका नेक्स्ट होप आएगा 12.1.1। और जितेंद्र क्या आएगा नेक्स्ट होप आईपी, 12.1.1। यस सुरेंद्र, समझने की कोशिश करो कि हमेशा नेक्स्ट होप आईपी कब दे, जो नेक्स्ट होप क्या होता है, देखो नेक्स्ट होप को मतलब समझो, नेक्स्ट होप का मतलब होता है आपके सामने वाले का आईपी एड्रेस 12.1.1.2। तो ये इसके दे, इसकी आईपी देगा, और ये वाला बंदा अगर देना होगा इसके नेटवर्क के लिए तो इसकी आईपी होगी। तो हमेशा ये नहीं कि इस जो यहाँ पे 192.168.1.1 है इसका कभी मत दे देना, मैं तो इसके नेटवर्क इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेकिन भेजेगा कौन 12.1.1.1। तो नेक्स्ट होप आईपी का मतलब होता है मेरे से सामने जो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी आईपी चाहिए मुझे, उसके पीछे के नेटवर्क नहीं चाहिए। ये 192.168.1. इसके पीछे चल रहा है, लेकिन इसको इसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो किसको बताएगा, इसको बताएगा, तो इसके इंटरफेस की आईपी आएगी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहां पे आएगा 12.1.1.1। और अगला जो नेटवर्क है हमारा 3 डाला, और उसके लिए रहेगा कोई तो ज्वाइन हुआ है वापस, नहीं हुआ है, ठीक है 23.1.1.3। और जस्ट प्रेस एंटर, होल्ड करना एक मिनट। ठीक है, तो अब R2 के पास भी दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई है, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस, डू शो आईपी राउट, सॉरी। तो स्टैटिक रूट एक ही है, देखो S वाला चेक करना हमें 1.0 और 3.0। ठीक है, वाया 23.1.1.3, और ये भी वाया 23.1.1, ये 12.1.1.1 रहेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना। तो इसके ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं इस पे आऊंगा, और इस पे आने के बाद पहले मैं देखूं इस पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके पास नहीं है, इस राउटर के पास कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस राउटर के पास कौन कौन से नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास नहीं है 2.0 का, 192.168.1.0 का, और 12 का नेटवर्क का। इन तीनों की इंफॉर्मेशन इसको देनी होगी, और इसका नेक्स्ट होप क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक।
आईपी राउट 192.168.1.0/24 रहेगा यानी 255.255.0 नेक्स्ट होप आईपी क्या रहेगा 23.1.1.2 इसकी इंटरफेस में 23.1.1.2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और 2.0 के लिए भी रहेगा यस और 12 के लिए रहेगा। हमेशा उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है जो इसके पास नहीं होती है। चेक करो डू शो आईपी राउट 12.1.0 हो गया, 192.168.1.0 हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डू राइट कमांड कर देते हैं पहले। अब हम लोग पिंग करके चेक कर रहे हैं किससे, इस पीसी से इसको, ये भी इसकी पिंग करके चेक करेंगे, फिर इसकी भी चेक करेंगे। अगर ये इन दोनों के साथ कंपेटेबल है मतलब ये भी इनके साथ जा सकता है, ठीक है। फिर मैं इससे चेक करूंगा इसकी सिर्फ, तो चेक करो इस पे चलते हैं हम लोग। आईपी कॉन्फ़िग पहले इसकी आईपी क्या है 1.0 पिंग 192.168.2.10 को करेंगे हम लोग। पिंग हो रहा है 3 के साथ भी हो रहा होगा तो मतलब मेरी डिसेबिलिटी कंप्लीट है। यहां से इसकी भी कंप्लीट है और इसके साथ भी डिसेबिलिटी है तो मतलब मुझे अब इस पे आके इसको अननेसेसरी इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरफ हो रहा है तो उस तरफ भी होगा। अब जो मुझे चेक करना है कि इनके बीच में करना है, इनके बीच में चेक करना है तो चेक कर लेते हैं इसके बीच में भी एक बार वेरीफाई हो जाएगा हमारा। आईपी राउट सॉरी आईपी राउट क्यों कर रहा हूं, पिंग करूंगा ना। टू डॉट जीरो है, 2.10 है मतलब पिंग करते हैं 192.168.3.10 से तो मतलब मेरी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट है। किसी को अब यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक बात बताओ, जैसे ये फर्स्ट वाला राउटर हो गया दिल्ली, सेकंड वाला हो गया मुंबई। नो मैं यहाँ पे ऐसे वर्क नहीं करेगा। मैं देखो अगर मैं एक चीज बताऊं, देखो अपने कन्फ्यूजिंग जरूर सेट करनी चाहिए, मुझे पता लगेगा कि किसको। ये मैं सेव कर देता हूँ स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है देखो अब ये जो राउटर है, अगर आप कह रहे हो कि एक दिल्ली का राउटर है, सपोज दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, यही तुम्हारा कंसर्न है। लेकिन इसके बीच में मुझे क्या चाहिए होगा भाई, मुझे एक राउटर और चाहिए होगा जो कि आईएसपी का होगा। दिस इज आईएसपी राउटर मान के चलो, बीच में आईएसपी भी तो चाहिए मुझे। और यहां से इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए फिर बाद में वो सब आएगा। मैं इस चीज के लिए बातें बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं कंसर्न कर रहा हूँ, देखो बीच में जब तक आईएसपी नहीं आएगा ना, जब तक बीच में आईएसपी नहीं आएगा मतलब मैंने कहने का मतलब है ये जो मैंने यहाँ पे जो ये तीन लिया हुआ है ना दोस्त, ये लोकल लोकल है, मतलब मेरी कंपनी में एक ही बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में लगा हुआ है। मान लो मेरे पांच फ्लोर है। अब पांच फ्लोर होगा तो ऑब्वियसली कंपनी बहुत बड़ी होगी, बहुत सारे नेटवर्क चल रहे होंगे, तो उसके लिए मैं इस राउटर को मैं ले सकता हूँ। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, मेरे पास टोटल पांच फ्लोर है। ठीक है देखो एक सेकेंड होल्ड करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे पास ये फ्लोर है, पूरी बिल्डिंग है और जिसमें पांच फ्लोर है, 1 2
थ्री फोर फाइव, ये बेसमेंट है मान के चलो, दिस इज द बेसमेंट। इस बेसमेंट में सर्वर रूम है, एक टॉप फ्लोर पे सर्वर रूम है और एक मान के चलो उससे नीचे वाले पे सर्वर रूम है। तो एक राउटर मेरा यहाँ लगा हुआ है, एक राउटर मेरा यहाँ लगा हुआ है और एक राउटर मेरा ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है और इनके साथ कनेक्टिविटी हो रखी है ऐसे है। तो और कंपनी बहुत बड़ी है मेरी उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि अब देखो अगर मैं कहूँ कि मैं अगर आईएसपी की बात करूँगा तो वहाँ पे मेरे बीच में आईएसपी आएगा, ये मेरा आईएसपी रहेगा, तब मैं एक डिफरेंट लोकेशन की बात कर सकता हूँ। क्योंकि अब बताओ कि मैं एक सिंगल वायर में दिल्ली मुंबई तक तो नहीं लेकर जाऊँगा ना, नहीं लेकर जाऊंगा ना, नहीं नहीं। हाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये राउटर है और एक ये मेरा दिल्ली का राउटर है, एक मुंबई का है, ये डी फॉर दिल्ली एम फॉर मुंबई, अब यहाँ पे मैंने आईएसपी ले रखा होगा, ये भी मेरा आईएसपी है, आईएसपी है। अब बाय डिफॉल्ट ये आईएसपी आपस में कनेक्टेड होंगे ना, आईएसपी मतलब जितने भी ये वोडा, देखो मान लो ये क्या होता है तुम्हें, ये मेरा क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर मेरे पास ये वोडाफोन है, ये टाटा है, ये तुम्हारा रिलायंस मान के चलो, ये नेक्स्ट एक कंपनी है कोई, ये आपस में कनेक्टेड है दोस्त, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक राउटर है मेरा ऑफिस का दिल्ली का और एक मुंबई का, ये मान के चलो ये टाटा है, टी फॉर टाटा, आर फॉर रिलायंस और वोडा और एयरटेल, मैंने कनेक्टिविटी एयरटेल से ली है और मेरे दिल्ली वाले राउटर से मैंने टाटा से लिया है, तो इनकी तो आपस में कनेक्टिविटी है ही ना। तो मैं अगर इंटरनेट से अपने राउटर को कनेक्ट कर लूंगा तो मैं यहाँ से अपने तक जा सकता हूँ, तब जा सकता हूँ। अभी तो मैं अभी इतना तो मैं अंदर लेके नहीं जा रहा हूँ। देखो हमेशा क्या होता है, देखो एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क होता है ना दोस्तों, वो ऐसे होता है, देखो समझने की कोशिश करना है, जो बेसिक जो डायग्राम होता है नेटवर्क का, एक आईएसपी होता है, इस आईएसपी से राउटर भी होता है, फायरवॉल भी होता है, ठीक है। ये फायरवॉल है, दिस इज अ फायरवॉल, ये मेरा क्या है F4 फायरवॉल, मैं अपने इंटरनेट की वायर उठा के राउटर में इसमें लगाऊंगा फायरवॉल में, फायरवॉल से मेरा क्या होगा राउटर रहेगा, स्विच राउटर, अगर मेरे पास राउटर है तो, नहीं तो नहीं, अगर मेरे पास राउटर है तो राउटर को उसके लगाऊंगा और राउटर के नीचे क्या रहेगा स्विच और इसके नीचे पीसी रहेगी। ये एक एक्चुअल में कह सकते हो बेसिक डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम। इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं अपने फायरवॉल पे लगाऊंगा, फायरवॉल से एक बार राउटर पे आएगी और राउटर से एक बार स्विच पे आएगी, स्विच से मेरे पीसी कनेक्टेड होंगे। ये मेरे दिल्ली का नेटवर्क है, मेरे दिल्ली का ऑफिस है। अब मेरे पास कंपनी ने, मेरे कंपनी ने ग्रो कर लिया और उसने मुंबई में भी एक ऑफिस डाल दिया। अब ये रेड ऑरेंज वाला मुंबई का लेके चलते हैं, तो ये अब मुंबई में भी मेरी कंपनी ने क्या किया, एक ऑफिस डाल दिया। तो मुंबई पे मान के चलो ये आईएसपी है, तो यहाँ से भी मुंबई से, एक सेकेंड, वहां भी मैंने क्या किया, एक फायरवॉल लिया, ये मेरा फायरवॉल है, फायरवॉल से मैंने शायद वहां पे मेरे वहां पे भी एक राउटर है, तो राउटर ले लिया मैंने और राउटर से स्विच ले लिया और स्विच से पीसी कनेक्टेड हो गया। समझ रहे हो ना टोपोलॉजी किस तरह से होती है, इस तरीके से टोपोलॉजी डिजाइन होता है। मतलब हमेशा जो हमारा आईएसपी, जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, वो एक वायर दे देगा हमको, भाई ये वायर ले लो, इस वायर को प्लग इन कर लो अपने फायरवॉल पे, या मैं डायरेक्ट, अगर मेरे पास फायरवॉल नहीं है तो मैं डायरेक्ट राउटर पे भी लगा सकता हूँ उस फायर वायर को। लेकिन मेरे पास फायरवॉल कंपनी के अंदर होगा ही होगा, कोई भी कंपनी विदाउट फायरवॉल काम नहीं करती है, ध्यान रखना, सॉरी, बिना फायरवॉल के कोई कंपनी डेवलप नहीं होती। एक छोटी कंपनी भी फायरवॉल डेवलप करती है। फायरवॉल एक आपका सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है, मैंने पहले भी बताया था, जो भी ट्रैफिक आपका क्लाउड पे जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, उसको भी चेक करेगा और जो बाहर से आ रहा है उसको भी वो चेक करेगा, लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। खैर टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग, तो ये बताओ कि किसी को डाउट है स्टैटिक राउटिंग के ऊपर, अगर है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं है। बाकी सुरेंद्र और जितेंद्र, इनको मुझे अलग से बताना पड़ता है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना आप लोग, मैं बता दूं, ये मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक सेकंड होल्ड करना,
अब आप लोगों का टास्क कराएगा ये, और मुझे ये टास्क चाहिए आज शाम तक, ठीक है। घर जाके प्रैक्टिस करना तुम लोग घर में कर सकते हो, तुम दोनों से पूछ लो, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मुझे शाम तक चाहिए आज ये, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोगों का डायग्राम कैसा रहेगा, चार राउटर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आईपी आप कुछ भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आईपी के लिए यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, आईपी जो आपको मन करता है वो दे दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डायग्राम कैसे चलेगा और किस तरीके से लोग यूज करेंगे। देखो, अब मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया, या तो एक काम करना, भी तीन की प्रैक्टिस करो पहले, आप लोग छोड़ो, आप लोग घर पे तीन राउटर की प्रैक्टिस करना, मुझे बना के ये फाइल सेव करोगे ना जब आप लोग, तो डेस्कटॉप पे सेव करके और मुझे, और उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना अपना जो भी है, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा आप लोगों के इशू आएगा तो भी, और जिसका कंप्लीट होगा तो भी। तो आज सब लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक तीन राउटर से प्रैक्टिकल करेंगे स्टैटिक राउटिंग की, और मुझे वो शाम तक चाहिए, ठीक है। ठीक, तो कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी डिफॉल्ट राउटिंग, इसको पर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर, बाकी किसी को, हाँ बाकी अगर तुम लोग पढ़ना चाहो सेल्फ तो पढ़ सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा अगर सर्च करना चाहो कर सकते हो क्या होता है, अगर जितना तुम्हें समझ में आया। ताकि देखो क्या होता है कि मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिया, कल ये टॉपिक है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या करना, अगर तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आती है तो, नहीं तो बाकी ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ताकि अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना तो माइंड में थोड़ा सा पिक्चर रहता है, अच्छा इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर जब मैं बताऊंगा उसको और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में, और डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, क्यों यूज़ किया जाता है, कब करते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।